हाँ चलो तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तीन तरह की, ठीक है। पहला होता है स्केलर, ठीक, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। ओके, हाँ सर, उसको सिंपल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा, जैसे 5 kg हो गया है ना, हाँ सर, तो मास जो है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। हाँ सर, नहीं अगर होता। मैं 5 kg लिखूं तो मतलब सिर्फ 5 kg, ऐसा नहीं कि 5 kg नॉर्थ में या 5 kg ईस्ट में, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं करते है नहीं सर, ना। फिर वैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब, 5 m³, 2 m³, इस तरह लिखते हैं ना। हाँ सर, तो ये ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलर। स्केलर। फिर आता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर होने के हाँ लिए सर, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए बताओ। सर पहला तो मैग्नीट्यूड होना मैग्नीट्यूड, चाहिए, हाँ सर, डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये काफी नहीं है, ठीक है। उसको एक चीज और करना पड़ेगा, क्या, रूल्स ऑफ सर, वेक्टर एडिशन सर, भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अब ये क्या है, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ये थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा, है ना, उसके बारे में जी अभी सर, चिंता मत करो, मैं क्लियर करूंगा क्या होता है रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तीन से तीन कंडीशन हो गई, क्या क्या, सर, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, मैग्नीट्यूड एंड हाँ, डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फॉलो, शुड फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलो, तो हाँ इसके सर, एग्जांपल्स हो गए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा, है ना। हाँ सर, वेलोसिटी बोलते हैं 2 m/s, है ना, नॉर्थ वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स, इस तरह बोलते हैं, है ना। हाँ सर, चलो, एक फिर तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन जो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करेंगे। तो हमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है ऐसे, इसलिए मैंने स्टार मार्क दिया यहाँ पे, देखो, है ना। हाँ सर, हाँ, तो इसके एग्जांपल जो है, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है सीखोगे आगे, 11th में टॉपिक है स्ट्रेस, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक। हाँ सर, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूजफुल नहीं है, जेई के लिए, है ना, उसमें उतना इंपॉर्टेंस मत देना इसको कि क्या होता है टेंसर, उस पर ढूंढने मत लग जाना, ठीक है, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। हाँ सर, तुम्हारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। हाँ सर, चलो, फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो वेक्टर को कैसे हाँ रिप्रेजेंट सर, करते हैं, सर एरो, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरो। तो हाँ डायरेक्शन ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ, लेंथ है ऑफ ना। वेक्टर। हाँ, नहीं, जो एरो का डायरेक्शन होगा, जैसे हाँ मान लो हाँ मैंने एक एरो ड्रॉ किया, लेट्स से एग्जांपल तुमको देता हूँ, ठीक है, लेट्स से ये एरो ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। हाँ सर, तो ये जो एरो का जो डायरेक्शन है वो क्या दे रहा है, मेरे को वेक्टर का डायरेक्शन दे रहा है, ठीक। हाँ और जो जो ये लेंथ ऑफ द एरो होगा, ठीक है, हाँ सर, लेंथ ऑफ द एरो होगा, ये मान लो ये जो लेंथ है, जितना ज्यादा लंबा एरो होगा उतना बड़ा वेक्टर होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, तो लेंथ ऑफ हाँ द सर, एरो रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़े, हाँ सर, चलो, जैसे देखो ये एक एरो ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, तो ये इसका डायरेक्शन, ये एरो जिस डायरेक्शन में, वही मेरा वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, और लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। हाँ सर, एरोज जनरली क्या होता है, ड्रॉन टू स्केल। अब स्केल समझते हो क्या होता है, नहीं सर, अगर मैं बोलूं ड्रॉन टू स्केल, समथिंग इज ड्रॉन टू स्केल, मतलब क्या, स्केल का मतलब हुआ रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ द एरो ऑन पेपर एंड द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक। हाँ जैसे सर, ज्योग्राफी में तुमने मैप्स पढ़े हैं ना, हाँ, मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल पढ़ा है, नहीं सर, जैसे भारत का मैप बनता है, तो ऐसा तो भारत का तो बहुत ये है ना, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट तो बहुत ज्यादा है ना, तो भारत का जो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है वो तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स है, तो ऐसा क्या पेपर पे थोड़े उसको 100 ऑफ किलोमीटर लंबा पेपर लाके ड्रॉ कर देंगे उसको, नहीं। सर बीच में आपकी आवाज
नहीं मैं आती। बोल रहा हूँ कि इंडिया का तुम्हारे पास अगर मैप ड्रॉ करना है तो मैप, तो मैप के लिए तुम्हारे पास स्पेस बहुत लिमिटेड रहता है ना, एक पीस ऑफ पेपर रहता है। तो हाँ सर, इंडिया का जो लेकिन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में। हाँ सर, तो ऐसा थोड़ा ना कि हम 1000 किलोमीटर लंबा पेपर लेंगे उसी पे मैप ड्रॉ होगा, नहीं ना। नहीं सर, उसके लिए हम कुछ स्पेसिफाई करेंगे ना कि 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स दिस मच किलोमीटर इन एक्चुअल एक्चुअलिटी, हाँ सर, नहीं समझे। समझा सर। तो उसी को बोलते हैं स्केल। जैसे यहाँ पे देखो ऐसा होगा, 1 सेंटीमीटर ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी, इस तरह का कुछ। ठीक है, हाँ सर, तो अगर हमको, अगर मैंने ये स्केल दिया तुमको, 1 सेंटीमीटर ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, हाँ सर, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड शो करना है तो कितना लंबा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? हाँ सर, तो इसी को बोलते हैं स्केल। आई बात समझ? हाँ सर, ठीक है, फिर आता है नेमिंग कैसे करना है वेक्टर का। नेमिंग क्या करते हैं वेक्टर का? नेमिंग, नेमिंग बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये टेल है जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है और ये क्या है, हेड है, दिख रहा है। हाँ सर, टेल को नाम दे दिया हमने ए और हेड को दिया बी। बी, ठीक, हाँ सर, तो ये जो वेक्टर मेरा होगा, ये वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ए बी वेक्टर, दिख रहा है हाँ सर, यहां पे। ऐसा स्टार्ट कहां से करेंगे? ए, टेल से। और एंड कहां पे करेंगे? हेड हाँ, हेड पे, पे करेंगे। तो ये मेरा वेक्टर हो गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी ऐसा लिखेंगे इसको। ए बी के ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देंगे, तो ये हाँ वेक्टर ए बी हो गया। क्लियर? चलो, हाँ सर, अब ये ध्यान रखना कि ए बी और बी ए सेम चीज नहीं हाँ सर, है ना, उसको देखेंगे हम एक मोमेंट में, अभी चिंता मत करो उसका। देखो ए बी ये हो गया और बी ए ये हो गया, दिख रहा हाँ सर, है सर बी ना। अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ यस, बी ए ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए बी एंड बी ए हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दिख रहा है। बोलो। हाँ सर, दिख रहा है। चलो ओके। कभी कभी क्या करते हैं, वेक्टर को ना एक सिंगल लोअर केस लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर था ना, हाँ सर, या कभी कभी एक सिंगल अपर केस लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक सर, है, जैसे हाँ एग्जांपल सर, देता हूं मैं, समझ आ जाएगा तुमको। जैसे ये मेरा एक वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, इसको मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा, कैपिटल पी वेक्टर या स्मॉल ए वेक्टर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। हाँ सर, क्लियर? या तो कैपिटल ए बी लिखना है, दो लेटर्स लिखना है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? टेल से करेंगे। एंड कहां पे करेंगे? हेड पे करेंगे। हेड पे करेंगे, सिंगल लेटर से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम कुछ भी दो। ठीक है, अब हाँ सर, आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे ए बी का मॉड। हाँ ठीक है, सर, देख रहे हो, दो दो बार में डाल दिया मैंने इसको, हाँ सर, या मोड, फिर सिंपली कैसे करेंगे, एरो हटा देंगे। तो अगर ए बी में सीधा ए बी बोलूंगा, इसका मतलब क्या? सर लेंथ ऑफ ए बी, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, हाँ सर, चलो अब आता है क्या, यूनिट वेक्टर, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ सर, दिख रहा यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड जिसका कितना हो, है, 1, 1 हो। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं क्या, कैसे रिप्रेजेंट? कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की जगह कैप कैप सर, से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो पी के ऊपर कैप दिया मैंने, यू के ऊपर एक कैप दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई बात समझ? हाँ सर, अब आता है क्वेश्चन कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर एंड अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है और उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है, उसको कैसे, उसके बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, हाँ सर, चलो देखते हैं। जैसे ये मान लो ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। हाँ सर, ठीक, अब ये देखो, ये 5 यूनिट वेक्टर से बना हुआ मान सकते हैं क्या इसको? हाँ सर, ठीक है, दिस हाँ वेक्टर सर, कैन मान बी सकते, थॉट ऑफ एज 5 यूनिट वेक्टर्स स्टैक्ड टुगेदर। यस, हाँ सर, तो ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 × u कैप। हाँ सर, लिख सकता, तो u कैप का वैल्यू क्या हो गया? देखो, तो ए बी डिवाइडेड बाई 5,
हाँ सर अब फाइव क्या है, फाइव तो एबी का मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो एबी के डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो मैं एबी को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, आई बात समझ? हाँ सर अगर मैं ए बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू कैप, यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज ए बी, क्लियर? हाँ सर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, खाली क्या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, वन वन हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ मतलब डिवाइड हो उसको वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वन मिलेगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या रहेगा, वही जो ए बी का डायरेक्शन है, ठीक है? हाँ सर So to find a unit vector in the direction of a given vector, we divide the vector by its magnitude. Yes? Yes, sir. चलो, फिर आता है क्या? Multiplication of a vector by a scalar. ठीक है? हाँ सर तो वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो सिंपल है, स्केलर माने नंबर, हाँ ठीक सर है? तो ये मान लो हमारा एक पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है दो यूनिट, ठीक? हाँ सर अगर मैं लिखूं 2a वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 units और डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सेम रहेगा। अगर मैं -2a लिखूं इसका मतलब क्या, सर, 4 units होगा पर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा सर ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ पॉजिटिव स्केलर गिव्स अनदर वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एज हाँ द सर ओरिजिनल वेक्टर, है ना? हाँ सर एंड मल्टीप्लीकेशन बाई ए नेगेटिव स्केलर रिवर्स द डायरेक्शन, ध्यान रखना, हाँ सर ठीक है? हाँ सर जो नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इज इक्वल हाँ टू सर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर या स्केलर। ये स्टेटमेंट ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं, जो नया वेक्टर है जैसे मान लो एक वेक्टर वी है उसको मैंने किसी नंबर के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हाँ सर तो ये एक वेक्टर बन गया, हाँ सर तो केवी का जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के इनटू मॉड ऑफ वी, ठीक? हाँ सर और डायरेक्शन के बारे में समझ गए, पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन रह जाएगा और नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट चेंज जाएगा, हो जाएगा ठीक है? देखो ये लिखा हुआ मैंने, दिख रहा है, हाँ सर के इज अ स्केलर या नंबर। फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी, सॉरी, इनवेरियंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, इसको तुम स्पेस में कहीं पे भी स्लाइड करके ले जा सकते हो, बस ध्यान रखना कि इसको रोटेट नहीं करना है, ठीक है? हाँ सर ये भी सेम वेक्टर है, इसको मैं स्लाइड खुद के पैरेलल स्लाइड कर रहा हूं, देखो तो तीनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, घुमाया हाँ नहीं सर मैंने, ठीक है? हाँ सर स्पेस में कहीं पे भी मैं लेके जा सकता हूं, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन स्पेस, बस क्या ध्यान रखना, रोटेट नहीं करना हाँ, विदाउट रोटेटिंग, है ना? चेंज ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना, ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज होगा वैसे ही वो वेक्टर बदल जाएगा, वो दूसरा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि डायरेक्शन हाँ चेंज हो सर गया, क्लियर? हाँ सर चलो, तो ये जो प्रीवियस डायग्राम में ये तीनों वेक्टर सेम ही है, सबको खाली पैरेलल स्लाइडिंग से बनाया मैंने, हाँ सर है ना? ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही है, क्लियर? हाँ सर चलो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, डी लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ठीक है? जिनका कोई लोकेशन फिक्स नहीं है, मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूं उनको, हाँ सर ठीक है? हाँ सर क्या समझे? सर कि ये वेक्टर्स हैं जिनको सर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हाँ, पैरेलल कहीं भी और शिफ्ट कर सकते वो हो विदाउट रोटेटिंग, हाँ ठीक है? सर एक दूसरी और कैटेगरी होती मतलब है जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लेकिन अपना डिस्कशन जो रहेगा वो हम लोग कन्फाइंड रहेगा किस पे, डी लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स पे, ठीक है? अभी हम लोग जो भी वेक्टर्स देखेंगे तुम्हारे 11 12 के सिलेबस में, वो सब वेक्टर्स कैसे होंगे, डी लोकलाइज्ड डी लोकलाइज्ड होंगे, कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है? हाँ सर फिर आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक? हाँ सर तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या करते हैं, पहले टेल मैच करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गलती होती है, 12th वाले स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं ये, ठीक है? हाँ सर इस चीज का ध्यान रखना है, क्या, मैच द टेल फर्स्ट पहले टेल मैच कराना है, क्लियर? हाँ सर आगे देखते हैं नीचे क्या कह रहा है ये, जैसे मान लो ये वेक्टर ए दिया, ये बी दिया,
ठीक, हाँ सर ठीक तो पहले क्या करेंगे, हम टेल मैच करेंगे। टेल कैसे मैच है करेंगे बताओ। सर। बी को पैरेलल पैरेलल शिफ्ट करके ए के साइड ले जाएंगे। बी को, या तो बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो या ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, बी को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया, देखो तो ऐसा कुछ कर दिया मैंने ना, ये वाला हिसाब कर दिया हाँ ऐसा। सर ठीक, अब हाँ देखो सर यहाँ पे तुमको दो एंगल्स मिल रहे हैं टेल मैच करने के बाद, एक ये एंगल मिल रहा है, एक ये एंगल मिल रहा है। मिल रहा है क्या, अल्फा और बीटा, हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर इसमें से हमको क्या लेना है, 180 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल नहीं लेना है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल्स आर नॉट अलाउड। हाँ सर ठीक, जो एंगल होना चाहिए वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए या 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो कौन सा एंगल लें हम, अल्फा अल्फा लेंगे। आई बात समझ, हाँ सर चलो सो वी टेक अल्फा हियर। ऐसे एक एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लो ये ए और बी ऐसा दिया 120। अब कितना एंगल होगा बताओ ए और बी के बीच में। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो एकदम, क्या करेंगे बताओ। सर पहले ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे और टेल टू टेल मैच करेंगे। चलो तो ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ, सर फिर एक एंगल बनाएंगे अल्फा। अब ये एक तो एंगल दिख रहा है 60, और एक ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है, ये नहीं हाँ लेना सर है। तो क्या एंगल हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर, हाँ सर बोलो हाँ सर सिंपल। हाँ सर फिर आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। जीरो ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये नल हाँ वेक्टर सर बन गया। ठीक है, इसका कोई डेफिनेट हाँ सर डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो, तो डायरेक्शन से क्या मतलब है। ठीक है, हाँ सर सो नल वेक्टर्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर हाँ सर है ना, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया वेक्टर्स का, एकदम बेसिक। ठीक, हाँ सर तो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या कह रहा है कि सबसे पहला रूल देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर ट्रायंगल लॉ को देखेंगे आराम से। ठीक है, हाँ चलो सर तो मान लो एक आदमी है जो ए से शुरू करता है और बी तक पहुंचता है और फिर बी से सी जाता है। अभी दिखा रहा हूं मैं डायग्राम, तुमको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ये आदमी कहां से शुरू कर रहा है, ए सर ए से। ए से कहां गया, बी बी। बी से कहां गया, फिर सी सी। तो मैं बोलूंगा कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना, हाँ सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। देख रहे हो ये रेड, जो रेड में दिखाया मैंने, हाँ ये सर है मेरा क्या, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर ठीक, एसी, हाँ एसी सर वेक्टर चलेगा। हाँ सर तो एसी वेक्टर जो है वो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, रिजल्ट है किसका, किसका रिजल्ट है, एसी जो हमको मिला सर वो किसका, वेक्टर किस ए बी और वेक्टर बी सी यस। तो उसको मैं ऐसा लिखता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं, एसी वेक्टर जो है ये मेरा रिजल्ट है किसका, हैज बीन ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, चलेगा ये, बोलो। हाँ सर हाँ सर चलो अच्छा, अभी इसमें क्या है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्या कि ए सी का मॉड इज इक्वल टू ए बी का मॉड प्लस बी सी का मॉड, नहीं सर क्यों नहीं होगा। सर क्योंकि ए बी का मॉड डिफरेंट हो सकता है फिर बी सी जैसे कि का भी एग्जांपल तुमको मॉड देता हूं, जैसे डिफरेंट हो मान लो सकता ये ए बी है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो हाँ ये सर 7 होगा क्या, नहीं सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में याद है इनइक्वालिटी, याद करो ट्रायंगल का, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हाँ सर तो ये तो क्लियर सी बात है कि एसी का जो मॉड होगा, ये एसी है मेरा, एसी वेक्टर का जो मॉड होगा वो एबी का मॉड प्लस बीसी का मॉड से छोटा होगा, मानते हाँ हो। सर हाँ, हाँ सर लेकिन ये बात सही है, एसी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ये सही है, इसमें गड़बड़ नहीं है, हाँ क्यों। सर हाँ सर ये सही है तो मतलब वेक्टर एडिशन जो है स्केलर जैसा नहीं होता है कि 3 + 4 करके 7 कर दिए, है कि नहीं। हाँ सर रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन, ठीक है। हाँ सर
तो ट्रायंगल लॉ क्या स्टेट करता है? ट्रायंगल लॉ स्टेट करता है, ये पूरा ट्रायंगल लॉ इसको पढ़ते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है? व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंट, दो वेक्टर्स को जॉइन करेंगे कैसे? सो दैट टेल ऑफ द सेकेंड वन, ठीक, मैचेस विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वन. यहां पे ऐसा हो रहा था क्या? देखो तो टेल ऑफ द सेकेंड वन मतलब ये ए बी है और ये बी सी है, तो सेकेंड वन जो सेकेंड वेक्टर है ये इसको नंबर टू, इसको नंबर वन लिखता है. तो सेकेंड वन का जो टेल है वो पहले वाले के हेड से मैच हो रहा है क्या? हाँ सर. तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वन टू द हेड ऑफ द सेकेंड वन. सेकेंड वन ये हमारा इस लॉ को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ट्रायंगल लॉ में क्या मैच होना चाहिए, जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका क्या मैच होना चाहिए? सर फर्स्ट सेकेंड वाले का टेल फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले के हेड से. यस, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब बस समझ लो क्या होना चाहिए. ये याद करो कि हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर्स बीइंग एडेड मैच, ठीक है? हाँ सर. कोई परेशानी इसमें? नहीं सर. जैसे मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा लिखेंगे, ठीक है? हाँ सर. कोई परेशानी इसमें? नहीं सर. गुड, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर आता है पैरेललोग्राम लॉ, है ना? अब पैरेललोग्राम लॉ जो है हम ट्रायंगल लॉ से ही निकालेंगे, ठीक है? हाँ सर. ट्रायंगल लॉ से कैसे निकालेंगे? ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो सीधी सी बात है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो दिख रहा है तुमको. हाँ सर. क्यों? हाँ सर. अच्छा अभी देखते हैं, अब एक काम करते हैं, बी को ना पीछे स्लाइड करके ले आते हैं. देखो अभी दिखाऊंगा. लेट अस स्लाइड बी बैकवर्ड्स टू मैच द टेल्स ऑफ ए एंड बी एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम. देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बी को मैं पीछे लेके आ गया, कहां पे ले आया? देखो तो अभी क्या हो रहा है, दिख रहा है? हाँ सर. टेल ए और बी का टेल मैच हो रहा है. हाँ सर. और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, ठीक है? हाँ सर. अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा. नहीं सर. हमने किसी वेक्टर को तो चेंज नहीं किया ना. नहीं सर. बी को पीछे स्लाइड करके लिया वो तो अलाउड है. हाँ सर. तो ना मेरा ए वेक्टर चेंज हुआ है, इस ट्रांसलेशन से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ सर. क्लियर? हाँ सर. तो ये हमको नया लॉ मिल गया. एक नया लॉ क्या कह रहा है कि व्हेन टेल्स ऑफ ए एंड बी मैच, ठीक है? हाँ सर. द टेल्स ऑफ ए एंड बी मैच, ऐसा ए का और बी का टेल अगर मैच हो रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ सर. तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, और फिर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. कौन सा डायगोनल? जो टेल से पास हो रहा है, ये वाला डायगोनल नहीं, दूसरा वाला नहीं, कौन सा? सर जो टेल से पास हो रहा है. द रिजल्टेंट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम दैट पासेस थ्रू द टेल्स. क्लियर? हाँ सर. बोलो. हाँ सर. ओके, सो हम लोग ये स्टेट कर सकते हैं एज व्हेन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स मैच वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम, सॉरी, एंड द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच पासेस थ्रू द टेल्स इज द रिजल्टेंट. क्लियर? हाँ सर. बोलो. हाँ सर. ठीक है, सिंपल. अब आता है पॉलीगन लॉ, ये तो और भी आसान है. देखो यहां से शुरू किया मैंने, पॉलीगन लॉ एकदम ट्रायंगल लॉ जैसा ही है. यहां से शुरू किया एक आदमी. हाँ सर. पहले यहां गया. हाँ फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो बताओ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी. हाँ, तो ये उसको हम क्या करेंगे? सीधा सीधा ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे मतलब सीधा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. दिख रहा है? फाइनल पॉइंट. हाँ सर. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है कि नहीं? डी वेक्टर. हाँ सर. क्लियर? हाँ सर. ये ट्रायंगल लॉ जैसा ही है, ये खाली डायग्राम याद करो ना, ये सब याद रखने डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ दो के लिए करते थे, ये दो से ज्यादा के लिए, है कि नहीं? हाँ सर. सर तो हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनेगा. हाँ ठीक है. हाँ सर.
एक चीज लेकिन ध्यान रखना है, ऑब्जर्व हाउ द टेल एंड हेड ऑफ द वेक्टर्स बीइंग एडेड कोइंसाइड। देखो सबका हेड टेल कोइंसाइड कर रहा है, देख रहा है? हाँ सर, ऐसा नहीं किसी का टेल और हेड, टेल और टेल मैच नहीं है यहाँ पे, ठीक है? हाँ सर, पॉलीगन लॉ में क्या, पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ में क्या खासियत है समझना है? हाँ सर, हेड हेड टू टेल होता है, हेड टू टेल होगा, और पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल होगा, ठीक है? टेल टू ये टेल, बेसिक डिफरेंस है, आई बात समझ? हाँ सर, चलो गुड। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुमको सिखा देता हूँ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। ये तुमको याद करना होगा, अगर तुम याद नहीं कर सकते हो तो मैथ्स वाले सर से पूछ लेना, ठीक है? समझा देंगे अच्छे से, ठीक है? हाँ सर, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कॉस 120, कॉस 120 को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, हाँ सर, और कॉस 180 माइनस 60 को देखो इस वाले फॉर्मूले से क्या लिख दूं, माइनस कॉस 60 लिख दूं। हाँ सर, मतलब अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जैसे मान लो 30 डिग्री है और 150 डिग्री है, ठीक है? इसको मैं लिखता हूं ए, इसको लिखता हूं बी, तो कॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस बी। आई बात समझ में? हाँ सर, कब ऐसा कब होगा? जब एंगल्स कैसे होंगे, ए प्लस बी कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री, 180 है ना, हाँ सर, सप्लीमेंट्री, क्लियर? हाँ सर, आई हाँ बात समझ? सर, हाँ सर, चलो बढ़िया। फिर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है, उसमें माइनस साइन नहीं आता। हाँ सर, साइन 120 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 लिख सकते हैं इसको, क्लियर? हाँ सर, मतलब साइन 120 और साइन 60 बराबर होगा, वैसे ही साइन 150 और साइन 30 बराबर होगा, साइन 110 और साइन 70 बराबर होगा, है ना? हाँ सर, बताओ साइन 100 कितने के बराबर होगा? सर साइन 100, सर साइन 100, सर साइन 40, साइन 60, अरे 100 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? सर 80, 80 होगा ना, हाँ सर, नहीं समझे? समझा सर, साइन 80 से होगा, साइन 90 का क्या होगा? साइन 90 इज इक्वल टू साइन साइन 90, 90, ठीक है? समझे? हाँ सर, साइन 130 इज इक्वल टू साइन 50, 50। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा के बराबर होता है, ठीक है? हाँ सर, यहाँ पे आके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक, हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस बराबर होता है, ध्यान रखना, हाँ सर, ठीक है? हाँ सर, जैसे मान लो 30 है और 60 है, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू कॉस 60, ठीक है? हाँ सर, वैसे ही बताओ जरा मेरे को साइन 15 कितने के बराबर होगा? सर साइन 75, कॉस 75, कॉस 75, ठीक है? ध्यान रखना है, हाँ सर, है ना? साइन साइन 45 इज इक्वल टू कितना? सर कॉस 45, गुड, आई बात समझ? सिंपल है, हाँ सर, चलो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, हाँ सर, हाँ। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ये थोड़ा समझने को थोड़ा सा मुश्किल आएगी, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। साइन 90 प्लस थीटा, जैसे मान लो साइन 120 है, तो इसको साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 90 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है ना, हाँ सर, तो ये हो जाएगा कॉस 30, ठीक है? हाँ सर, जैसे मान लो लिखूं मैं साइन 150, तो 90 से कितना ज्यादा है ये? 60, 60 है ना, साइन 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60, आई बात समझ? हाँ सर, और वही साइन 150 साइन 30 के बराबर भी होगा, होगा ना? हाँ सर, सप्लीमेंट्री एंगल्स का साइन बराबर होता है कि नहीं? हाँ सर, सिंपल, याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? हाँ सर, अब ये साइन कॉस टैन वैल्यूज, ये पांच वैल्यूज का पता होना चाहिए, पांच एंगल्स का, 0, 30, 45, 60 और 90, याद ही करना पड़ेगा ये, ठीक है? हाँ सर, ये टेक्स्ट बुक में 9, 10 के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा तुमको, याद है? हाँ साइन 45 कितना होता है बताओ? सर, 1/√2, गुड। साइन 60, साइन 60 √3/2, करेक्ट, ठीक है, चलो। लेकिन ये तो डिग्रीज में है, हमारा जो ऐसा यूनिट होता है एंगल का वो डिग्री नहीं होता है। ऐसा यूनिट समझते हो ना, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है? हाँ सर, वो रेडियन में होता है, हाँ सर, ठीक।
चलो अब एक ध्यान रखना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हाँ सर, ठीक है। अब ये क्या है स्टेटमेंट, तुमको अभी समझाता हूं मैं, ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो पूछना एक बार। पाई रेडियन मतलब 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, हाँ सर। तो दोनों तरफ पाई पाई से डिवाइड करो, इधर क्या बचेगा, एक रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज। क्लियर? हाँ सर। अच्छा, या फिर 1 डिग्री को क्या बोल सकता हूं मैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इधर 180 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। ठीक है, हाँ सर। अभी क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, लोग क्या करते हैं इसमें, गलती क्या करते हैं, पाई का वैल्यू, पाई कहीं भी लिखा होगा तो पाई को 180 लिख देंगे। नहीं, पाई इज नॉट इक्वल टू 180, पाई का वैल्यू तो क्या है तुम्हारे पास, पाई इज 22/7, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये होता है, पाई इज नॉट इक्वल टू 180, ध्यान रखना। हाँ सर, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर, ये गलती मत करना, है ना। हाँ सर, चलो हाँ ओके, सर। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 नॉट 180, क्लियर। हाँ सर, एंड 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्लियर। हाँ सर, दो और आइडेंटिटी है, 1+cos θ इज इक्वल टू 2cos²θ बाई 2। सॉरी, एक एग्जांपल देता हूं तुमको, सॉरी, 1+cos θ मतलब 1+cos 60 अगर लिखोगे तो ये क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, हाँ सर, 3/2 होता है ये। हाँ सर, अब राइट हैंड साइड से देखते हैं, 1+cos 60 थीटा कितना है यहां पे मेरा, 60, तो 2cos²60° / 2 कितना हो गया, ये 60° cos square कितना हो गया, ये 2cos²30° है ना, cos 30 पता है कितना होता है, हाँ सर, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करो, सेम आ रहा है क्या ये, नहीं सर, आ रहा ना, 3/4 × 2 कितना होगा, हाँ सर सेम आ रहा है, ना, 3/2, हाँ याद रखना इसको, ये आइडेंटिटी याद रखना। और दूसरी आइडेंटिटी एक और है, 1-cos θ इज इक्वल टू 2sin²θ/2, हाँ सर, ठीक, हाँ सर, कोई परेशानी इसमें नहीं सर, ये भी वैसा ही है। जैसे मान लो cos 60 करता हूं मैं, तो 1-cos 60 कितना होगा बताओ, 1/2, 1/2, अच्छा, अब राइट हैंड साइड देखो, 2sin²60° / 2 कितना होगा ये, 2sin²30 मतलब कितना, 2 × 1/4 1/2 1/2 आया, हाँ, देखो, हाँ सर, है ना, ये आइडेंटिटी याद रखनी है, देखो, ठीक है, हाँ सर, बोलो, हाँ सर, चलो ओके। अब आता है, अब असली खेल यहां से शुरू होता है, ठीक है, अभी तक तो हाँ पूरा सर, थ्योरी वरी देख रहे थे हम लोग, है ना, अब यहां से शुरू होगा मैथमेटिकल पार्ट, ठीक। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, ये इनका रिजल्टेंट है, दिख रहा है, हाँ सर, एंगल अल्फा दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है ये बताओ पहले, अल्फा है कि थीटा है, सर, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है, अल्फा है कि थीटा है, हाँ सर, बताता हूँ सर, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं है, सोचो, नहीं सर, क्या सिखाया था, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सर पहले टेल ज्वाइन करते हैं, तो टेल ज्वाइन करो, ए और बी का क्या एंगल मिलेगा, थीटा होगा, थीटा मिलेगा ना, अगर मैं हाँ ए को स्लाइड करके यहां लेके आ जाऊं, हाँ सर, ऐसा, थीटा, तो थीटा मिलेगा ना, हाँ सर, नहीं समझे, समझा सर, चलो अब रिजल्टेंट है, अब रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है, हाँ सर, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये दिख रहा है, सी से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ए बी को एक्सटेंड कर दिया है, दिख रहा है, हाँ सर, हाँ सर, और सी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये फुट को बोल दिया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी बोल दिया, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर, बोलो, हाँ सर, क्लियर है, ओके, अच्छा, अब हमने वो ने देखा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड
माने मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ सर। जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ध्यान ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ सर। तो अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, मतलब ये एसी का लेंथ कैसे निकाला जाए, है कि नहीं? हाँ सर। हमको क्या क्या दिया हुआ, हमको ए का लेंथ दिया हुआ है, बी का लेंथ दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, चलो। रिमेंबर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी हैव टू मैच द टेल्स, ठीक है? ये तो समझ में आ गया। हाँ सर। चलो अब हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं, वही तुमको दिखाया जो था राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल बना लिया था मैंने, यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया था, कौन सा राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ए सी डी डी। हाँ। और एक और राइट ट्रायंगल दिख रहा है बी सी डी भी दिख रहा है, हाँ सर। दो राइट ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर। अब देखो इनकी मदद से कैसे निकालता हूं मैं AC, ठीक है? चलो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे देखो वापस जाते हैं, AC स्क्वायर हाइपोटेनस है, हाँ सर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो तो क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, आई बात समझ? हाँ सर। अच्छा तो उसमें मेरे को अब मुझे AD निकालना है और CD निकालना है, अगर AD और CD निकल गया तो काम हो जाएगा। हाँ सर। अब एक चीज देखो यहां पे AD जो है वो दो वेक्टर से मिलके बना, हाँ सर दो वेक्टर। किससे किससे, मतलब दो चीजों से मिलके बना AD, AD जो लेंथ है वो दो लेंथ से मिलके बना, किससे किससे सर, एक AB का लेंथ और एक BD का लेंथ। AB का, अब AB का लेंथ तो हमको पता है, हाँ सर। बच गया कौन सा, BD। BD का लेंथ, तो BD का लेंथ निकालना बहुत ही आसान है, मैं क्या करूंगा अब ये वाला ट्रायंगल का मदद लूंगा, ठीक है? हाँ ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर। साइन थीटा कॉस थीटा पता है क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सब लिखते हैं पता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बताओ तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा फिर इस ट्रायंगल में, बीसीडी में, सीडी सीडी बाय बीसी। यस साइन थीटा इज सीडी बाय बीसी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है कि नहीं? हाइपोटेनस। हाँ सर। अच्छा अब ये बताओ सीडी जो है हमको यहां से मिल जाएगा, सीडी मिलना बहुत ही आसान है, बीसी का वैल्यू तुमको पता है स्मॉल बी है, हाँ सर। है क्या? हाँ सर। CD is equal to BC sin theta, और BC कितना है, BC basically ये vector B का magnitude है कि नहीं? हाँ सर। ये जो है BC ये vector B का magnitude है ना, तो उसको मैं B का magnitude क्या करूँगा, सीधा ऐसा लिखता हूँ B sin theta, है कि नहीं? Arrow हटा दूंगा तो magnitude बन जाता ना। हाँ सर। चलो वैसे ही cos theta का बोलो तो सर, BD by BC। cos theta is base upon theta के लिए ये वाला side base है ना, BC, हाँ BD is base, है ना, तो BD by और hypotenuse कौन सा है, BC, BC, ठीक है? हाँ चलो तो अब मुझे बताओ BD क्या हो जाएगा फिर, मल्टीप्लाई करो बी cos theta, ठीक है सिंपल। हाँ सर। अब ये दोनों हाँ चीजों को हम पकड़ लेते हैं, एक बी sin theta पकड़ लेते हैं और एक बी cos theta पकड़ लेते हैं, आई बात समझ? हाँ सर। चलो तो अब मुझे बताओ AD का लेंथ क्या हो जाएगा, A प्लस बी कॉस थीटा। गुड A प्लस बी कॉस थीटा, आई बात समझ? हाँ सर। और CD का क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, अब ये यूज हम लोग करेंगे, हमको मिल गया ना ये दोनों साइड, अब इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर। गुड आई बात समझ। चलो तो वापस चलते हैं अपन नीचे और देखते हैं क्या है, ये सब वही है देख चुके हम लोग, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां दिख रहा है ये था ना हमारे पास AC, AC का स्क्वायर ऐसा कुछ था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ था हमने, है ना? हाँ सर। ये B था ये D था, तो AC का ये था, तो AD कितना था, A प्लस बी कॉस थीटा। हाँ सर। AD स्क्वायर इज A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? हाँ सर। और CD क्या था, B साइन थीटा। B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा इसको एक्सपैंड करो, A प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस हाँ, थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया देखो तो, प्लस हाँ सर। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इसमें क्लब कर देते हैं किसको, इसको और इसको, बी स्क्वायर वाले टर्म्स को क्लब कर देते हैं, देखो तो सर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो हाँ, जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, तो ये हमारा एसी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आई बात समझ? तो हाँ सर। एसी का मैग्नीट्यूड मिल गया हमको, है कि नहीं? हाँ सर। ध्यान रखना ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, क्लियर? ये हाँ सर। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। डेरिवेशंस याद रखना जरूरी है क्या? हाँ, डेरिवेशन याद रखोगे तो सब्जेक्ट का फील बना रहेगा, खाली फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या होगा कि मतलब उतना फील नहीं आएगा, ठीक है? हाँ सर। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन डेरिवेशन याद रखना भी जरूरी है, ठीक है? हाँ सर। और डेरिवेशन याद रखने की आदत रहेगी तो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम में भी मदद मिलेगा, हाँ सर। ठीक है? चलो, तो हाँ सर। मैग्नीट्यूड निकल गया, अब हम क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, ठीक है? हाँ सर। चलो, तो मान लेते हैं कि जो एसी वेक्टर था, वापस चलते हैं पुराने वाले डायग्राम पे, है ना? यहाँ पे देखो, एसी वेक्टर का एबी वेक्टर से मान लो एंगल अल्फा बना रहा है, एंगल अल्फा दिख रहा है, तो हाँ सर। ये एंगल अल्फा निकाल देंगे तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा एसी का, है कि नहीं? क्योंकि एबी का डायरेक्शन तो हमको पता हाँ सर। है, मतलब हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं कि एसी वेक्टर जो है वो एबी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल, है कि नहीं? हाँ सर। अब ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लो ए सी डी, इसमें बताओ मुझे टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टैन अल्फा होगा बी साइन थीटा। हाँ, ये बी साइन थीटा है, हाँ सर। हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, ये पूरा बेस कितना हो गया, ये सर। ए प्लस बी कॉस थीटा। गुड, तो ये हमको इसका डायरेक्शन भी मिल गया, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी बी कॉस कॉस थीटा। थीटा, आया समझ हाँ सर। कि नहीं? आया सर। सिंपल है एकदम, बहुत ही आसान, ठीक है? तो हाँ हमको सर। एंगल भी मिल चुका है, अब आई बात समझ? हाँ सर। तो ये हमारा है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू है दिस, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस, ये जो आया इसका टेन इनवर्स। अब देखो, अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? हाँ सर। टेन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू वन बाई टेन एक्स, समझे? हाँ सर। हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग चीज है, वन बाई एक्स नहीं है, फाइव का पावर माइनस वन वन बाई फाइव होता है ना, हाँ सर। लेकिन ये वैसा नहीं है, ठीक है? हाँ सर। इसका मतलब क्या है अभी दिखाता हूं मैं, ठीक है? टेंशन मत लो, जैसे टेन थर्टी कितना होता है, वन बाई रूट थ्री होता है, हाँ सर। तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री करोगे तो क्या मिल जाएगा, थर्टी, प्रोसेस को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, आई बात समझ? हाँ सर। साइन थर्टी अगर वन बाई टू है तो साइन इनवर्स वन बाई टू क्या देगा, 30 डिग्री। थर्टी, आई बात समझ? हाँ सर। जैसे मैं अगर तुमको बोलूं कि बताओ मुझे कॉस इनवर्स वन बाई टू, तो क्या बोलोगे? cos 30। नहीं, कॉस इनवर्स वन बाई टू, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉस वन बाई टू होता है, 60। 60, तो कॉस इनवर्स वन बाई टू हो गया 60, आई बात समझ? हाँ सर। नहीं समझे? समझा सर। जैसे टैन इनवर्स तुमको बोलूंगा टैन इनवर्स वन, तो बताओ क्या बोलोगे? सर 45। गुड, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका टेन 45 है, टेन टेन थीटा वन है, तो ऐसा मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टेन ऑफ एंगल क्या देता है, वैल्यू देगा, हाँ सर। तो टेन इनवर्स ऑफ वही वैल्यू क्या देगा, वो सेम एंगल जो भी देगा, हम आई देता। बात समझ? प्रोसेस हाँ सर। हाँ सर। इन्वर्ट हो गया, टेन ऑफ एंगल वैल्यू, टेन इनवर्स ऑफ वैल्यू एंगल, क्लियर? हाँ सर। नहीं, नहीं समझे? समझा सर। हाँ, समटाइम्स यू विल गेट अब्सर्ड वैल्यूज लाइक टेन थीटा इज इक्वल टू टू, तो अब ये सब तो कुछ पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, टेन इनवर्स टू, आई बात समझ? हाँ सर। वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो टैन इनवर्स टू है ये तुम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, है ना? हाँ सर। तो इसका यूज, इसका वैल्यू या तो कैलकुलेटर से फाइंड करो या ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से फाइंड करो।
ठीक है, या फिर उसी फॉर्म में छोड़ दो, टैन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इस तरह छोड़ दो, है कि नहीं? सिंपल। हाँ सर, तो ये हो गया हाँ हमारा सर, कंप्लीट क्या, वेक्टर, वेक्टर एडिशन, है कि नहीं? हाँ सर।